नमस्कार, निश्चल वास्तु में आपका स्वागत है और आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आज मार्च मंथ की प्रेडिक्शन लेके आई हूं और स्टार्ट करते हैं एरीज साइन से। आपको इस महीने बैलेंस मेंटेन करके चलना है, पेशेंस लेवल अपना इंक्रीज करना है आपने, और शांत रह के चीज़ों को करना है तो आप बहुत अच्छा करेंगे और आपको सक्सेस भी मिलेगा। इट्स कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन यू कि आप चीज़ों को कैसे हैंडल करते हैं। आपको इस महीने जो भी टास्क है आपको कंप्लीट करनी है उसको सोच समझ कर कीजिएगा और शांत रह के कीजिएगा। फ्यूचर आपका ब्राइट है, आप एनर्जी लेवल आपका हाई रहेगा, हाई रखिएगा भी चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए। तो मेरी यही एडवाइस है कि आपने पूरे डेडिकेशन के साथ अपना काम करना है। टॉरस, कुछ डिले दिख रहा है मुझे आपके काम में, आपके प्रोग्रेस अगर हम उसका ग्राफ देखें तो थोड़ा सा स्लो मूविंग है। इस मंथ आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि कोई मोटिवेशनल सपोर्ट भी नहीं है, आपको एनर्जी भी थोड़ा सा डाउन रहने वाली है। इस महीने आप थोड़ा सा भटके भटके से रहेंगे क्योंकि लैक ऑफ डायरेक्शन इज देयर। जब हमें प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिलता तो हम चीज़ों को अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। सडन लॉसेस हैं, कुछ लॉसेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं। डाउनफॉल, आई एम सीइंग डाउनफॉल, तो उससे घबराना नहीं है, चीज़ें नेक्स्ट मंथ बेटर हो जाएंगी। आपको ये हमेशा याद करके चलना है। कई अप्स एंड डाउन हर किसी की लाइफ में आते हैं, कभी अच्छा होता है कभी बुरा होता है, और एक टाइम एक जैसा कभी भी नहीं होता, ये सभी लोग जानते हैं। कुछ क्लैरिटी की कमी है इस महीने, तो बेटर है कि चीज़ें इस महीने आप ना करके अगले महीने के लिए प्लान करें। और इस महीने चीज़ें होंगी मगर बहुत सडन होंगी, कुछ भी चेंज होगा बहुत सडन होगा। तो मेरी एडवाइस यही है कि कुछ भी अगर आप प्लान कर रहे हैं तो इस मंथ आप प्लान नहीं करें तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। जेमिनी, रेस्टलेस दिख रहे हैं, कुछ ऐसा लग रहा है कि कहीं रुक गया है सब, आपको कहीं किसी सिचुएशन में फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। कुछ जो प्लान्स बना रहे हैं उसमें थोड़ा सा फेलियर, थोड़ा मैं नहीं कहूँगी, उसमें फेलियर होने की आशंका है। आपका भी सक्सेस मिलने में आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा लेकिन उसमें टाइम लगेगा सक्सेस मिलने में। आप अपने पास्ट से ज़्यादा फ्यूचर में अपने आप को रखें तो ज़्यादा बेटर है। आपने नेसेसरी एक्शंस लेने हैं, जो भी आपने टास्क करनी है उसको कंप्लीट करने के लिए अपने माइंड में क्लियर थॉट्स लेके चलिएगा। मेडिटेशन कीजिए आप, और जो भी प्लान्स हैं ना उनको इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा सा आप अगर सोच समझ के टाइम लेके करें तो ज़्यादा बेटर है। कैंसर, आप अपने गोल्स को अचीव करने में सक्षम रहेंगे। सक्सेस एंड अचीवमेंट्स आर देयर दिस मंथ। कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी अच्छा रहने वाला है आपका। आपको काम में विक्ट्री, किसी भी अगर लिटिगेशन है तो उसमें विक्ट्री आपकी शो होती है। कैरियर ओरिएंटेड रहेंगे ज़्यादा, एक सक्सेसफुल पर्सन आप रहेंगे इस महीने। अगर जो भी कपल चाइल्ड प्लान कर रहे हैं वो कर सकते हैं, तो ये एक पॉजिटिव नोट है। खुशी आपको मिलेगी, खुश रहेंगे, प्रॉस्पेरिटी दिख रही है मुझे, और प्रमोशन के चांसेस भी हैं। तो बेस्ट ऑफ लक, अपना इस मंथ आप इंजॉय कीजिए। लियो, चाइल्ड बर्थ अगर बेबी प्लान कर लिया हुआ है तो इस मंथ आपका चाइल्ड बर्थ पॉसिबल है। नई बिगनिंग्स आपके सामने आएंगी और नई होप के साथ उनको ग्रैब कीजिएगा। थोड़ा सा अपने नेचर को केयर फ्री मत होने दीजिएगा। थोड़ा सा एनर्जी लेवल आपका हाई है,
आप आपके पास नॉलेज है, आपके पास एक्सपीरियंस है, मगर आप अपनी गलती की वजह से फेलियर फेस कर सकते हैं। तो बेटर है कि गलती ना करके अपने काम में आप ध्यान देके अगर चीज़ें करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। आपकी जो स्किल्स हैं वो बहुत अच्छी रहने वाली हैं। आपने इस महीने थोड़ा सा केयरफुल होके काम करना है, ये मैं आपको एडवाइस कर रही हूँ। वर्गो, आपके लिए भी न्यू होप्स, न्यू फेथ दिखता है मुझे। मोटिवेशनल सपोर्ट आपको मिलेगा, प्रोस्पैरिटी रहेगी आप इस महीने। जो पैसों को लेके थोड़ा सा दिक्कत होती है वो इस महीने आप फेस नहीं करेंगे। अपने आप, अपने इनर सेल्फ से आप कनेक्ट कीजिए। प्रैक्टिकल रहने वाले हैं आप, और आप में ये क्षमता रहेगी कि आप सिचुएशंस में और चीज़ों में बैलेंस मेंटेन कर सकें। इस महीने अगर कोई डिसीज से सफ़र कर रहे हैं, सॉरी, इस महीने अगर कोई डिसीज से सफ़र कर रहे हैं आप, तो उसमें आपको रिकवरी मिलेगी। अपनी रिलेशनशिप में ट्रांसपेरेंसी ज़रूर रखिएगा। आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी लेवल इंक्रीज होगा और आपको इससे रिलेटेड नॉलेज में एक डेप्थ मिलेगी अगर आप उसको करना चाहते हैं। शांत, सब कुछ शांत रहेगा, अच्छा रहेगा। तो गुड लक आपकी साथ है आपके, और मैं भी आपको गुड लक विश कर रही हूँ। लिब्रा, कोई सेलिब्रेशन हो सकता है आपके घर में, गेट टुगेदर हो सकती है, मैरिज मैरिज हो सकती है, इंगेजमेंट सेरेमनी पॉसिबल है। आप किसी के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड, इमोशनल बॉन्ड शेयर करेंगे। कि जो रीयूनियन कई लोग पार्टी प्लान करते हैं तो उसकी भी पॉसिबिलिटी है। आपने अपने गोल्स को अचीव करने के लिए अगर कोलैबोरेशन करना है तो आप करिएगा, इससे आपको बेनिफिट ही होगा। आपकी लव लाइफ अच्छी रहेगी, पार्टनरशिप आपकी स्मूथ रहेगी, और सक्सेस इज देयर दिस मंथ। तो आप जो भी चीज़ें करनी है आप उनको करिएगा। स्कॉर्पियो, आपको इस महीने पैसों से रिलेटेड कोई तंगी नहीं आने वाली है। अगर आप टीम लीडर हैं अपने कंपनी में, तो आपकी टीम अच्छा परफॉर्म करेगी, और एज ए लीडर आप बहुत अच्छा काम करेंगे। आप अगर बिजनेस करते हैं तो अपना बिजनेस भी बहुत अच्छे से आप मेंटेन करेंगे। आप दूसरों को भी इस तरह से सपोर्ट करने में सक्षम होंगे कि जैसे एक फादर अपने बच्चे को सपोर्ट करता है। अगर आप राइटर हैं, जर्नलिस्ट हैं, तो आप जो लिखेंगे वो बहुत ही, उसका मैच्योरिटी लेवल काफ़ी हाई रहेगा। ज्ञान आप में रहेगा, तो उस ज्ञान को आप यूज करके जो भी आर्टिकल आपने लिखना है वो आप लिखिए। अथॉरिटी आपके पास रहेगी और आप रिस्पॉन्सिबल होके काम करेंगे। अगर आपने चाइल्ड प्लान करना है तो इस महीने आप चाइल्ड प्लान कर सकते हैं। प्रोस्पैरिटी इज देयर, सो एन्जॉय योर दिस मंथ। सेजिटेरियस, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट्स दिख रहे हैं मुझे। कंपटीशन है, मगर वो कंपटीशन हेल्दी नहीं है, वो अनहेल्दी कंपटीशन है, क्योंकि लोग उस तरह से आपको नहीं ले रहे हैं जिस तरह से आप चीज़ें हैंडल कर रहे हैं। तो दे आर ट्राइंग टू यू नो पुल यू बैक। तो आपने ध्यान दे के चलना है। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स भी रहेंगे आपके, टेम्परामेंटल रहने वाले हैं, कभी मूड अच्छा है कभी खराब है। स्ट्रेस लेवल इंक्रीज होगा, किसी के साथ डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, टेंशन्स रह सकती हैं, प्रॉब्लम्स इंक्रीज हो सकती हैं। तो मेरी सलाह आपको ये है कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं उसमें थोड़े से केयरफुल होके काम कीजिएगा। कंपटीशन को अनहेल्दी ना बनाया जाए तो ज़्यादा बेटर है।
खैर अगर आपके हाथ में नहीं है, आप हेल्दी वे से ट्रीट कर रहे हैं, तो दूसरे पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप नहीं ले सकते। तो आपको मेरी यही एडवाइस है कि झगड़े से दूर रहिए और अपने काम में ध्यान दीजिए। कैप्रिकॉन, आप के अंदर ऑनेस्टी रहने वाली है, किसी काम को लेके आप लगे हुए हैं करने के लिए, तो उसमें सक्सेस मिलेगा आपको। कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे थे तो अभी वो प्रॉब्लम इस महीने आपकी ख़त्म हो जाएगी। कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है आपको, लिटिगेशन आपके फेवर में जा सकता है। आप को अगर आपके जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनके अंदर काफ़ी अच्छे ऐसे इमिकेबल सॉल्यूशंस आपको मिल सकते हैं जो चीज़ों को बेटर कर देंगे। आप अगर किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं तो इस महीने वो आपका इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा। फेयर डिसीजन लीजिएगा, मेरा ये एडवाइस है आपको इस महीने का। एक्वेरियस, आपके लिए ये महीना बहुत बहुत अच्छा रहने वाला है। आप अगर मदर हैं तो अपने बच्चों को लेके आप बहुत केयरिंग रहने वाली हैं, मैं फीमेल की बात कर रही हूँ। आपके अंदर जो पावर है वो इंक्रीज होगा, चाहे वो मैन हो चाहे वो वुमन हो। प्रोस्पेरिटी लेवल, प्रोस्पेरिटी आपकी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। क्रिएटिविटी लेवल आपका बहुत अच्छा रहेगा। चाइल्ड प्लान कर रहे हैं तो उसकी पॉसिबिलिटीज बनी हुई हैं। आप की लाइफ में इस महीने अच्छी लग्जरीज रहने वाली है, कंफर्ट रहने वाला है, तो लाइफ जो है वो फ्लो के साथ चल रही है, तो आप इंजॉय कीजिए इस मंथ को। पाइसियस, थोड़े से रूड हार्श रहने वाले हैं आप, थोड़े मीन हो सकते हैं चीज़ों को लेके, और लव लाइफ में भी मुझे काफ़ी डिस्टर्बेंस दिख रहा है। अपने काम में क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हैं, इसलिए आप अपनी फैमिली को, अपने लव लाइफ को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा दिक्कत फेस करना पड़ सकता है। आपने अपने इमोशंस को इस महीने जैसे किसी बॉटल में बंद कर देते हैं हम, उस तरह से कर लिया है, तो अपने इमोशंस को बाहर निकालिए, अपने फैमिली को टाइम दीजिए। काम को भी, काम भी ज़रूरी है, मगर उसके साथ साथ फैमिली, परिवार, आपकी लव लाइफ वो भी ज़रूरी है, तो उनमें बैलेंस मेंटेन करके चलिएगा। अपने इमोशंस को होल्ड बैक मत कीजिएगा। अपने आप से, अपनी काम की वजह से आप कहीं आउट ऑफ टच हो गए हैं, तो कोशिश कीजिए अपने आप से भी कनेक्शन मेंटेन करने की, वो आपके लिए फ्रूटफुल ही रहेगा। तो ये था मेरा मार्च मंथ का प्रेडिक्शन। होप आप सब लोग इसको पसंद कर रहे हैं, और मेरी एक सीरीज़ है मीनिंग ऑफ ड्रीम्स, उसको भी आप प्लीज़ देखिए, उसमें भी काफ़ी अच्छी नॉलेज देने की कोशिश की है। थैंक यू सो मच।